बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन इन दिनों टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति 13 को होस्ट कर रहे हैं। इस बार शो के शानदार शुक्रवार स्पेशल एपिसोड में हेमा मालिनी और डायरेक्टर रमेश शिप्पी की एंट्री होगी और ये एपिसोड बेहद ही खास होने वाला है। इस तरह से शो में फिल्म शोले का रीयूनियन होगा। इस दौरान फिल्म मेकिंग से जुड़े कई खुलासे भी होने वाले हैं। इसी बीच अमिताभ बच्चन बताएंगे कि उनकी बेटी श्वेता बच्चन भी शोले का हिस्सा थी, जिसे सुनकर वहां बैठे दर्शक हैरान रह जाएंगे। दरअसल शोले को रमेश सिप्पी ने डायरेक्ट किया था और इसमें जहां हेमा मालिनी बसंती के रोल में थी तो अमिताभ बच्चन जय के रोल में थे। जी हाँ, वहीं धर्मेंद्र वीरू के रोल में थे और इन लोगों के अलावा अमिताभ बच्चन की बेटी श्वेता बच्चन भी शोले का हिस्सा थी। इसका खुलासा खुद एक्टर ने शो में किया जब इस बारे में अमिताभ बच्चन ने खुलासा किया कि उस वक्त जया जी प्रेग्नेंट थी, हमारी पहली बेटी श्वेता पेट में थी, अभी मैं श्वेता से बात करता हूँ तो कहता हूँ कि आपने भी शोले में काम किया हुआ है। ये सुनकर सभी हंसने लगते हैं और अमिताभ बच्चन ने आगे बताया कि फिल्म की शूटिंग बेंगलुरु में हुई थी। रमेश शिप्पी ने वहाँ राम नगरम नाम का एक गांव ढूंढा और तब वहां शोले के लिए सेट बनाकर फिल्म शूट की गई। अमिताभ ने बताया कि उस गांव में सारा इलाका पहाड़ी था और कोई सड़क भी नहीं था, तो रमेश सिप्पी ने वहां मकान भी बनवाए और सड़क भी। बता दें कि शोले को रिलीज़ हुए आज पूरे 46 साल हो चुके हैं और ये फिल्म 15 अगस्त 1975 को रिलीज़ हुई थी। तो क्या कहना है आपको, कमेंट बॉक्स में बताइए। जुड़े रहिए हमारे साथ नेक्स्ट 9 लाइव से सुरभि की रिपोर्ट।